सोलन भाजपा केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। आज भी प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के तहत महिलाओं को गैस कनेक्शन बांटने का कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। सोलन भाजपा केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। आज भी प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के तहत महिलाओं को गैस कनेक्शन बांटने का कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में खाद्य एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने 70 गरीब महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन वितरित किए। गैस कनेक्शन पाकर महिलाएं बेहद खुश और उत्साहित दिखी। पुरुषोत्तम गुलेरिया ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा जन कल्याण के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं। उसमें बेहद महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना है, जिसमें उन गरीब महिलाओं को गैस कनेक्शन दिया जा रहा है जो बेहद गरीब है। उन्होंने बताया कि अब तक जिला में 6,502 गैस कनेक्शन वितरित किए जा चुके हैं। ये सुविधा उन महिलाओं को दी जा रही है जिनके घरों में गैस नहीं है और वे केवल आग जलाकर खाना बनाती हैं। आग से निकलते धुएं की वजह से ज्यादातर महिलाओं का स्वास्थ्य खराब रहता है। आंखों की कई बीमारियों से उन्हें जूझना पड़ता है, इसलिए उनको धुएं से निजात दिलाने के लिए गैस कनेक्शन बांटे गए। मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के तहत 70 फ्री गैस कनेक्शन का वितरण किया गया और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने पूरे प्रदेश को धुआं रहित प्रदेश बनाने का बीड़ा उठाया है, संकल्प किया है और आगामी 31 जुलाई तक पूरा प्रदेश धुआं रहित होगा, ऐसा लक्ष्य लेकर प्रदेश सरकार चली है, जिसकी प्रेरणा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सभी प्रदेशों में दी गई उज्ज्वला योजना के तहत फ्री में गैस कनेक्शन देने की योजना के तहत हमारे डिस्ट्रिक्ट में अब तक 6,502 फ्री गैस कनेक्शन दोनों योजनाओं के तहत विभाग दे चुका है, जिसमें सोलन ब्लॉक भी 1,108 कनेक्शन वितरित कर चुका है। हमारा सोलन जिला भी इसमें बाकी जिलों की तरह बढ़ चढ़ कर इस टारगेट को अचीव करने में लगा है। हमारे गांव में कोई भी घर किसी भी बहन को खाना बनाने के लिए लकड़ी इकट्ठी करके धुएं में काम ना करना पड़े, उसको भी गैस की सुविधा हो, उसके बच्चे भी स्वाभिमान के साथ स्कूल जा सकें, ऐसी योजना आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा शुरू की गई है। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इस मौके पर महिलाओं ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि अब उन्हें घर में आग जलानी नहीं पड़ेगी और ना ही जंगल में जाकर लकड़ियां लानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि उन्हें कई तरह की बीमारियों से भी निजात मिलेगी। उन्होंने इस मौके पर भाजपा सरकार का धन्यवाद भी किया। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।